हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग में बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो ये है शादी का पार्ट 11 और पार्ट 10 आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हमारे यहाँ मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये है बैचलर पार्टी की मस्ती जो कि हम लोगों ने कंटिन्यू 2 डेज़ की थी। और ये फर्स्ट डे है, इस दिन हम लोगों ने मस्ती की थी, बहुत मस्ती की थी। और हम सब लोगों का थीम थी ड्रेस की ब्लैक कलर की, और जो मेन ब्राइड थी उसकी थी ब्लू, बाकी सब ने ब्लैक पहना हुआ था। और बुआ जी वगैरह ने नहीं पहन पाया था क्योंकि उनको नहीं पता था कि थीम ब्लैक है, इसलिए। तो बस यहाँ चुन बैठी हुई है। Oh,
बैचलर पार्टी में हम लोग ने बहुत मस्ती की थी फर्स्ट डे में, और उसके बाद काफ़ी नाइट हो गई थी हम लोग को। मैंने पूरी वीडियोस नहीं डाली हैं क्योंकि फर्स्ट डे की मैंने पूरी वीडियोस इसलिए नहीं डाली क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉन्ग ब्लॉग हो जाता है, इसलिए तो मैंने कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो डाल दी हैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे का टाइम हुआ है मॉर्निंग का, और यहाँ पर उठते ही यहाँ पर एक रस्म स्टार्ट होती है कि बिना नहाए धोए मतलब वैसे ही मुँह एक रस्म होती है जो होती है वही तेल हल्दी मेहंदी लगाने की। तो यहाँ पर तेल चढ़ रहा है और हल्दी लगेगी और तेल चढ़ेगा मेरी सिस्टर पे। तो यहाँ जो जो तेल चढ़ाता है जैसे कि जिस जिसने चढ़ाया है सभी बहनों ने और फ्रेंड्स ने वगैरह ने, तो सब लोग तेल चढ़ाएंगे बारी बारी से। और यहाँ इन लोगों ने हाथों में पकड़ लिए अपने सत्ता, मीठे वाले गुड़ और चीनी के मिक्स होते हैं ये वाले सत्ता, जो कि लड़की को जितनी बार तेल चढ़ाया जाता है एक एक टुकड़ा करके खिलाया जाता है, 7 पूड़ी होती हैं ये। और फिर इसको बाद में शादी के बाद किसी सुहागन को बांट दिया जाता है, 7 सुहागन या 5 सुहागन जितना अपने तेल होती हैं उतनी सतह बनाए जाते हैं, तो सुहागनों को बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सब लाइन वाइज लाइन तेल चढ़ाते जा रहे हैं और यहाँ सबकी आँखों में नींद भरी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट में हम लोग 3-3:30 बजे तक हम लोगों ने मस्ती की थी बैचलर फर्स्ट डे की पार्टी की। और फर्स्ट डे का एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत अच्छा अनुभव था, इसलिए बहुत मज़े किए थे। ले आओ तुम ही पापा ने अनु की आ रही आ रही आ रही ला रही, तेरे दूध ला रही, रुक जा दूध ही मांग रही है वो। अबे रुक जा निकाल दूंगी तो रुक जा, फिर खेले करेगी तासे जी, कमरा गेट लगा दियो बस बाद में, तो जैसे सब सब सफाई हो जाएगी जाकी आ रही आ रही आ रही। चाय के संग के संग को जी पता अम्मा भी नहीं आई था, खेल धरा दी था निकी में न्या ऐसे करो जाश लगा दे और जिन की लगा दे। आओ मुझे पूछो ये लाल बनेगी कि हरी बनेगी, मैंने हरी तो लाल मुंह दे का चूड़ी कुगर न्या ने मोड़ी चढ़ा तो लेता तेल अच्छा ऐसे बुला आती है बुला खाली हो ये आती है बुला मराले सवेरे सवेरे आ रही आ रही बस रुक जा 2 मिनट रुक जा बस जो तेल हो जाए ना सुबह निकाल दी वो जहाँ की कुंडी लगा कर जहाँ की कुंडी लगा देंगे कमरा के खेलने करी जाए। आ जा आ जा बुला ले तू बुला ले अब तो होगा अब चलता है तो बाद में आई थोड़ी रुक गया अब इतने और बना दिए ठंडी लगी तो इधर बैठ गया जा मतलब इधर बैठ जा जवाब तो बस 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 डबल करते आते डबल डबल।
तो ये था आज का पार्ट 11। तो ये रस्म ख़त्म हो चुकी है, और ये रस्म जब ख़त्म होती है तो लास्ट में जो निगर होती है, जैसे हमारी बुआ जी निगर हैं जो डलिया लेके आती है, वो इस रस्म को ख़त्म करती हैं। तो मतलब रस्म ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अभी इस टाइम की रस्म ख़त्म हो चुकी है। रस्म तो आगे भी चलेगी यही वाली, जब तक टीका नहीं होता है, बारात नहीं आती तब तक ये रस्म चलती है। तो यहाँ बुआ जी अब मेरी तेल चढ़ा रही हैं, और तेल चढ़ाने के बाद इसको हल्दी लगाएंगी, इसको पटन वगैरह करेंगी, और उसके बाद फिर कोई काम वगैरह स्टार्ट होगा। तो ये देखिए, ये पटली होती हैं लकड़ी की, इनको हेर फेर करके 12 बदल बदल के फिर से दोबारा तेल चढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए, अब आज का ब्लॉग यहीं तक है, और आज के ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं कल। हर हर महादेव।